तो भाइयों आपके भाई हो चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी है, 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इसी की खुशी में मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्पेशल गिफ्ट। कौन सा स्पेशल गिफ्ट? एक शानदार सर्वे प्रोफाइल जो आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे डेस्कटॉप चैनल के जरिए। आपको उस प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हो चुके हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स, और इसके साथ में एक बुरी खबर भी है। मैं आपको दिखाता हूँ वो बुरी खबर। भाई ये देखो यार, ये क्या चीज़ है? देखो देखो तो सही, मतलब कि वॉच टाइम जितने भी बंदे हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं उनमें से 96 तो सब्सक्राइब नहीं करते, और जो 3.8 है ये लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? वीडियो देखो और डायरेक्ट सब्सक्राइब बटन ठोक गालो, तोड़ गालो उसको, डिस्प्ले क्रेक हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है ना? तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्वे प्रोफाइल के बारे में। सर्वे प्रोफाइल कैसे बनानी है, कैसी बनानी है, तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही जानने वाले हैं। और इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना बकवास किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, जिस घड़ी का था आपको बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई। देखिए डेस्कटॉप स्पेशल सर्वे प्रोफाइल जो आपको प्रोवाइड की जा रही है हमारे द्वारा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करिएगा और आप चले जाएंगे गूगल ड्राइव पर, तो वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, आपको क्या क्या भरना है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका आप डाल सकते हो, जेंडर भी आपका आप डाल सकते हो। वैसे तो मेरे हिसाब से जेंडर में अगर आप फीमेल सेलेक्ट करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मेकअप के रिलेटेड जो सर्वे आते हैं ना, वो खास तौर पर फीमेल्स के लिए आते हैं, और कई बार बालों से रिलेटेड भी सर्वे आ जाते हैं, तो वो भी फीमेल्स के लिए होते हैं। अगर आप मेल भर दोगे तो कर देगा आपको सर्वे से बाहर। रिलेशनशिप की बात करें तो मेरिट भरना है आपको, चाहे आप मेरिड हो नहीं हो, आपको भरना है सिर्फ मेरिड। एज की बात की जाए तो 35 से 40 आपकी एज होनी चाहिए, 35 से 40 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन की बात की जाए तो आपको हमेशा दो चिल्ड्रन रखने हैं, पहली आपको लड़की रखनी है जो होगी 13 साल की, और दूसरे नंबर पे आपको रखना है बॉय, वो होगा 11 साल का। एड्रेस की बात की जाए तो चांदनी चौक भरना है, सिटी या टाउन दोनों में से कुछ भी पूछ ले, नॉर्थ इंडिया ही रखना है और नॉर्थ दिल्ली ही रखना है, ठीक है। स्टेट की बात की जाए तो आपको दिल्ली रखना है, पिन कोड जिप कोड पोस्टल कोड कुछ भी पूछ ले, 11006, ठीक है। कंट्री की बात की जाए तो इंडिया, रीजन की बात किया जाए तो नॉर्थ इंडिया। ऑक्यूपेशन क्या बनना है आपको? ऑफिसर एक्सक्लूसिव, नीचे नीचे आता है याद रखना, बॉटम पे आ गए डायरेक्ट, आपको ऊपर ऑप्शन मिलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, उनके ऑप्शन को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपको सेलेक्ट करना है तो सिर्फ यही वाला है ना। और ऐसे भी दो रहते हैं, एक तो जूनियर वाला रहता है, एक सीनियर वाला रहता है, तो सीनियर वाले को आपको सिलेक्ट करना है। बेस्ट डिस्क्राइब योर हाउस होल्ड, तो इसमें आपको भरना है वन हैव, आई हैव वन और मोर अंडर एज 13 लिविंग इन माय हाउस होल्ड, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन को टिक करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको खुद का घर भरना है, ठीक है, ओनर्ड हाउस। हाउ मैनी पीपल लीव, तो कितने लोग हैं जो आपके घर में रहते हैं, तो आपके घर में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 10 हो, या फिर आप अकेले रहते हो, आप वहाँ पर भर दीजिएगा। वैसे तो अकेले नहीं, आपको लगभग कम से कम तो 4 भरने ही हैं, ये याद रख लो। एनुअल हाउस होल्ड इनकम की बात की जाए तो कम से कम बता रहा हूँ 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर लेना। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड फुल टाइम भरना है, पार्ट टाइम भर सकते हो, वैसे तो मैं ज़्यादातर फुल टाइम ही भरता हूँ। इंडस्ट्री जॉब रोल डिपार्टमेंट, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है। एथनिसिटी, इसमें आपको साउथ एशियन भरना है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एशिया के साउथ में आता है। एजुकेशन लेवल है या आपको ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट रखनी है। मोबाइल फ़ोन आपको सैमसंग का रखना है, अगर आप ओप्पो वीवो वन प्लस
एप्पल भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर जो सर्वे होते हैं वो सैमसंग के आते हैं स्मार्टफोन की बात की जाए तो, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सैमसंग भरना। वैसे तो मेरा फ़ोन सैमसंग का है नहीं, फिर भी भरना पड़ता है भाई। जॉब टाइटल की बात की जाए तो आपको CTO रखना है, CEO रखना है, CIO, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक आप रख लीजिएगा। लैंग्वेज की बात की जाए तो यार बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो इंग्लिश में सर्वे नहीं करते, वो करते हैं हिंदी में सर्वे। अब हिंदी में सर्वे ये करने का ये नुकसान रहता है कि एक तो ढंग से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल नहीं आती है ना, और कुछ कुछ क्वेश्चन वो पूछ लेता है जिसका आंसर आप इंग्लिश में नहीं दे सकते, आपको देने पर तो वो भी हिंदी में, तो कहाँ जाओगे भाई। ब्राउजर पर तो किसी बटन पर क्लिक कर सकते नहीं हो आप, क्योंकि जैसे आप क्लिक करोगे वो डिटेक्ट कर लेगा सर्वे और आपको उठा कर फेंक देगा सर्वे से बाहर, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो सर्वे होते हैं वो इंग्लिश में करने की कोशिश किया करो। हु मेक्स द डेली परचेजिंग डिसीजंस, कौन सा बन मतलब कि आप क्या आपके घर में आप डेली परचेजिंग डिसीजन लेते हो, कौन लेता है, तो आपको स्वयं खुद भरना है, सेल्फ भरना है, ठीक है। आप ही तो सारे डिसीजन लोगे ना, तभी तो सर्वे आपको देंगे, नहीं तो आपको सर्वे देंगे ही नहीं, तो आपको किसी और को तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे उस सर्वे से। डू यू और डज एनी वन, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको भरना है नॉन ऑफ द अबाव। ये एक बंदे ने पूछा भी था मेरे से कमेंट बॉक्स में, तो भाई देख ले नॉन ऑफ द अबाव, ये बॉटम ही बॉटम पे रहेगा ये वाला ऑप्शन है ना, तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, वहाँ पर लिखा होता है आई डोंट वर्क, अगर वो अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है ना तो आप आई डोंट वर्क तो बिल्कुल मत करना, है ना। अदर आपको तो बोल कर भी छेड़ना नहीं है अदर तो, है ना, और ऊपर जितने भी ऑप्शन रहेगा ना आप उसमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, है ना। वैसे ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको ये वाला ऑप्शन ये वाला आंसर नहीं मिल रहा है ना, अगर ये वाला मिल रहा है ना ऑप्शन तो आप इस पर टिक करके आगे बढ़िए ना। और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की बात की जाए तो आप 101 से 500 के बीच में भरिएगा, है ना। और डू यू हैव ए वेब कैम, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो ये ज़्यादातर न्यू बक्स वगैरह में पूछा जाता है, वैसे टाइम बक्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इफेक्ट लैब के सर्वे ज़्यादातर होते हैं ना वो इसी क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन पर वेब कैम की ज़रूरत पड़ती है, तो वेब कैम को आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि मोबाइल को ही आप वेब कैम की तरह यूज़ कर सकते हो। किसके ज़रिए, ड्रॉइड कैम एक एप्लीकेशन आती है, अगर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको यस ही करना है, ठीक है। पेट की बात की जाए तो डॉग या कैट, आप इन दोनों में से कुछ भी भर सकते हो। कार की बात कर ली जाती है तो आप, मैंने यहाँ पर फोर्ड फीगो सेलेक्ट किया है, वो नई वाली भरनी है, सेकंड हैंड मत भर दी, ठीक है। और आपको कार भी कोई ऐसी भरनी है जिसका मॉडल हो वो लगभग 2015 या फिर 2016 के लगभग आसपास का हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप नई कार भर दोगे तो सर्वे डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पास तो नई कार पहले से ही है, आप उनकी कार क्यों खरीदोगे, ठीक है। तो इसलिए आप कोई ऐसा मॉडल एक कार चूज़ कर लेते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कार ब्रांड, तो उनमें से कोई सा भी एक कार ब्रांड आपके लिए सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी आप कार ब्रांड सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया मारुति सुजुकी, तो उसका साथ साथ में मॉडल नंबर भी चुन लेना ना, जैसे कि मारुति सुजुकी विटारा भेजा, कभी मॉडल नंबर पूछ लेता वो कार का, तो आपको ये ध्यान रखना है ना। और कार न्यू ही भरना, सेकेंड हैंड मत भरना, कह रहा हूँ मैं आपसे, है ना। वॉचिंग टीवी कितने वॉच करते हो आप पर वीक, तो 11 से 20 घंटे पर वीक, इतना तो आपको करना ही है, ठीक है, और इतना के आपको यही करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे सर्वे प्रोफाइल जो आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसी के अनुसार चलोगे। मैं तो इसी के अनुसार चलता हूँ और मेरे ज़्यादातर सर्वे हो भी जाते हैं। और आप ऐसा मत सोचिए कि आपने सर्वे नहीं कर पाए, मतलब कि प्रोफाइल ख़राब है, मतलब कि ज़्यादातर जो सर्वे होते हैं ना वो डिस्क्वालीफाई होने के लायक रहते हैं। लगभग 100% जो सर्वे आते हैं ना उनमें से भाई 10% या फिर 5% 10% या 5% ही हो पाते हैं, बाकी के जो सर्वे होते हैं ना वो नहीं हो पाते हैं।